नमस्कार मित्रों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्त्रीलॉग्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों, यह आप ही का चैनल है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ रोचक जानकारी कि शिक्षक दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यूनेस्को व ILO द्वारा शिक्षकों की भर्ती, रोजगार, कार्य की स्थिति, वेतन व उनके अधिकारों के समर्थन में हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है और हर वर्ष इसकी थीम अलग होती है। तो कोविड महामारी के समय में भी शिक्षकों के राष्ट्र निर्माण में अथक योगदान व कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करने के लिए 2021 में यूनेस्को द्वारा दी गई टीचर्स डे थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। शिक्षक आपदा के समय में भी नेतृत्व कर रहे हैं और भविष्य की पुनः कल्पना में सहायक, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है और शिक्षकों की भूमिका को बहुत अहमियत देता है। यह स्लोगन इस बात पर जोर देता है कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में और नेतृत्व करने में, भावी पीढ़ियों को मार्ग दिखाने में शिक्षक की भूमिका कितनी प्रभावी और कितनी सशक्त है। आपको तो यह मालूम ही है कि हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और विद्यार्थी अपने शिक्षकों को गाने बजाने के साथ, कभी कार्ड्स देके, कभी कोई पार्टी प्रोग्राम करके सम्मान देते हैं। भारत में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के बजाय 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। 5 सितंबर को हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तिरुत्वनी नगर में हुआ था। वह एक महान दार्शनिक, विद्वान व शिक्षक थे। वह पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उन्हें कई स्कॉलरशिप्स मिली जिससे कि वह तिरुपति और वेल्लोर में पढ़ाई कर सके। उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से फलसफा यानी कि फिलॉसफी पढ़ी और वह बहुत बड़े दार्शनिक थे। विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत का दर्शन शास्त्र फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर मैसूर यूनिवर्सिटी में वह फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के भी वाइस चांसलर हुए। 1931 में किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया। उसके बाद वह सर की उपाधि से जाने जाने लगे, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद उन्होंने वह उपाधि त्याग दी। 1936 में ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स पढ़ाने के लिए ऑक्सफर्ड में आमंत्रित किया गया और उसके बाद उन्होंने 16 वर्षों तक वहां शिक्षण किया। 1952 में वह प्रथम उपराष्ट्रपति और 1962 से 5 साल तक वह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1962 में जब वह राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ पूर्व विद्यार्थियों ने उनसे अनुमति मांगी कि उनका जन्मदिन 5 सितंबर वह मना सके। इस पर राधाकृष्णन जी ने कहा कि बेहतर होगा कि लोग उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाएं। तो मित्रों, यह एक बहुत बड़ी बात है। स्वयं को अहमियत, स्वयं को इम्पोर्टेंस न देते हुए उन्होंने शिक्षकों को महत्व दिया, शिक्षा को महत्व दिया और उनका जन्मदिन 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस के तौर पर अपने देश में मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हेल्पेज इंडिया NGO की स्थापना की और डॉक्टर राधाकृष्णन के ही सम्मान में ऑक्सफर्ड शेवनिंग अवार्ड और ऑक्सफर्ड सर्वपल्ली स्मृति पुरस्कार भी आरम्भ किए गए। और कुछ रोचक जानकारी यह भी है मित्रों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल प्राइज़ के लिए मनोनीत किया गया।
उसमें से 16 बार साहित्य के लिए और 11 बार शांति स्थापना के लिए उनका नाम भेजा गया। और मित्रों, आजकल भारत में शिक्षा पर्व चल रहा है 7 सितंबर से 12 सितंबर तक, और इस बीच नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की जाएगी। शिक्षक दिवस की बात अधूरी रहेगी मित्रों यदि हम अपने देश के कुछ अन्य उत्कृष्ट शिक्षकों का जिक्र ना करें। इसमें सावित्री बाई फुले, जिन्होंने की स्त्रियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला और स्त्री शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष, बहुत आंदोलन किया, अग्रणी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वेदांत फिलॉसफी विश्व को दी, उनका जिक्र आता है। और आता है जिक्र चाणक्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। राधा कृष्णन जी का कहना था कि शिक्षक वह नहीं जो अपने विद्यार्थियों के दिमाग में ठूंस ठूंस कर तथ्य भरता है, बल्कि वह शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सोचने में सहायता करता है। और उनका कहना यह भी था कि असली शिक्षक वह है जो ताउम्र सीखते रहता है, अपने विद्यार्थियों से भी वह सीखने में हिचकिचाता नहीं। तो मित्रों, आप बताइएगा, आप किसी ऐसे शिक्षक को जानते हैं क्या जिसने आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला? और मित्रों, सीखने का सिलसिला ताउम्र चलते रहता है। मैं आपसे और शायद मुझसे आप कुछ सीख पाएँ। आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके प्रिय शिक्षक कौन रहे हैं और आप उनसे किस तरह प्रभावित हुए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।